अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुआज़ फ्रॉम लाइव बॉय एंड यूर वॉचिंग लाइव बॉय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग क्या हाल चाल है सबका, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी GTA 5 में सेकंड हैंड ऑटो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मॉड बहुत ही कमाल का है। बेसिकली ये मॉड करता क्या कि आप इस मॉड की मदद से एक रियल लाइफ मॉड की वीडियो बना सकते हैं। आप उसके आपको इसके अंदर जो है ना मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा कुछ ज़्यादा, सिंपली आपने फ़ोन करना है और आपकी कार हाजिर है। तो इस मॉड को इंस्टॉल करने का तरीका मैं आज आपको बताऊँगा। वैसे तो आप ये जो है ना रियल लाइफ मोड ये वाला जो आप मेन्यू से बना सकते हैं, लेकिन मेन्यू से थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको जो है ना बता रहा हूँ कि आप ये मोड इंस्टॉल कर लें। इससे आप जो आसानी के साथ, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली आपने कॉल करनी और आपकी कार हाजिर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेने के साथ आपको चाहिए होगी स्क्रिप्ट क्वी, सबका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ आपको चाहिए होगी कम्युनिटी स्क्रिप्ट क्वी यानी कि skte.net, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाली चीज़ है नेटिव UI, तो नेटिव UI आपको जरूरत नहीं इसको डाउनलोड करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी उन्होंने जो ना इस मॉड के अंदर ऑलरेडी दी हुई है इस zip फाइल के अंदर, तो इसको आप डाउनलोड ना भी करें तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। वैसे आपको दिखाने के लिए मैंने कहा है, तो इसको कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें बच गई हैं, मैंने दोनों को डाउनलोड करके एक फोल्डर में रखा हुआ था, मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों को डाउनलोड करके इस फोल्डर में रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम skte.v और skte.v.net को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले skte.v को ओपन कर लेता हूँ, इसकी zip फाइल को। यहाँ पर हमें एक बिन फोल्डर नजर आता है, बिन वाले फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पर दो फाइल्स हैं DLL फाइल्स, इनको हमने उठा के यहाँ कहाँ पर यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने GT5 की मेन डायरेक्टरी जो है ना अपनी ओपन कर ले रही है, GT5 के आइकन को राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन में चले जाते हैं। और यहाँ पर आके आपने सिंपली जो बिन वाले फोल्डर में दो फाइल्स थी डी और DLL, उन दोनों को उठा के आपने GT5 की मेन डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैंने ऑलरेडी किया इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। हमारा जो skte.v है इंस्टॉल हो चुका है, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड की तरफ, नेक्स्ट चीज़ की तरफ सॉरी। तो skte.v.net जो है ना हम इंस्टॉल करेंगे, इसका फोल्डर जो है ना मैं ओपन कर लेता हूँ सॉरी zip फाइल। तो इसके अंदर हमें txt फाइल्स मिलती हैं दो और बाकी कुछ और फाइल्स हैं, हमने बाकी जो फाइल्स हैं सारी उनको सिंपली कॉपी करना है। यहाँ पर दोबारा GT5 की मेन डायरेक्टरी में चले जाना है, तो मैं यहाँ पर GT5 की मेन डायरेक्टरी में आ चुका हूँ और यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हमने कॉपी की थी उनको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। तो मैं दोबारा यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी किया इसलिए मैं दोबारा इसको कैंसिल कर देता हूँ। हमारा जो है ना यहाँ तक मॉड सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, अभी हमारा सिर्फ मेन मॉड की बारी है। तो मेन मॉड आपको बताया तो कहाँ पर यूज़ करना है उसको भी, तो दोबारा अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहाँ पर हमने सारे मॉड डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे मॉड जो है ना डाउनलोड पड़े हुए हैं और अभी इसको सेकेंड हैंड ऑटोज वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसको ओपन करेंगे इसके अंदर आपको एक फोल्डर नजर आएगा, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपको एक और फोल्डर नजर आएगा स्क्रिप्ट्स के नाम से, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें जो ना कुछ फाइल्स नजर आती हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ नेटिव UI, तो हमें इसलिए मैंने कहा था कि इसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये लेटेस्ट वर्जन ही है मेरा ख्याल है। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये कर लें, जो मर्जी कर लें, दोनों लेटेस्ट वर्जन ही है। तो मैं इसको सिंपली जो है ना मिनिमाइज करता हूँ और दोबारा अपनी GT5 की मेन डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। यहाँ पर आके आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे स्क्रिप्ट। तो मैंने ऑलरेडी एक न्यू फोल्डर बनाया हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है स्क्रिप्ट। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम जो है ना आके अपनी zip फाइल की जितनी भी फाइल्स थी उनको उठा के सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन पूछ रहा है मैंने जो ना नेटिव UI के बारे में, तो मैं इसको सॉरी कैंसिल कर देता हूँ। तो हमारा जो कैंसिल हो चुका है और हमारा जो मॉड है बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो है ना चलते अपने गेम की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको अपनी कार जो है ना बाय कैसे करनी है सेकेंड हैंड कार। तो भाई लोग जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो है ना गेम को ओपन कर लिया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हो जो है ना अपनी सेकेंड हैंड कार को ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार ये कौन सी कार खड़ी है इसका, अच्छा अच्छा हाँ सच, मैंने इसको सेव किया हुआ था। तो अभी सबसे पहले जो है ना आपने अपना मोबाइल ओपन कर लेना है, आप एरो प्रेस करके, आप वाला एरो प्रेस करेंगे आपको पता ही है कि मोबाइल कैसे ओपन करते हैं। तो अभी आपने अपने कॉन्टैक्ट्स में चले जाना है और बिल्कुल आपने अप वाला नंबर जो है ना प्रेस करेंगे, जैसे ही ऊपर वाला, तो आपके सामने ऐसे बाय व्हीकल का ऑप्शन आ जाएगा। एक आपने बाय व्हीकल वालों को कॉल करनी है, इसके ऊपर एंटर प्रेस करना है और हमारा माइकल जो है ना कॉल करने लग जाएगा। तो आपको दिखाते हैं जब ये कॉल उठाएंगे कनेक्टेड हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कैटेगरी यहाँ पर पूछी हुई है, हम यहाँ पर सिंपली कैटेगरी चूज करेंगे कौन सी हमने सेकेंड हैंड कार बाय करनी है। मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स कार पर क्लिक कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, क्लिक से तो नहीं होता। तो यहाँ पर हम जो है ना कोई भी अच्छी सी कार कर लेते हैं, मस्कारो का लेते हैं या इटाली GTO, चलो ये कर लेते हैं। तो हमारी ये कार जो है ना हमने इसको फ़ोन कर दिया, हमारी कार अभी आती होगी। आप इसको रियल लाइफ मॉड के अंदर बहुत ही कमाल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपको ये मॉड देख के ही जो है ना आइडिया आ गया होना है। तो मेरी थोड़ी सी गेम लैग हुई थी और वो नीचे देख भी सकते हैं कि मैप के ऊपर आ भी गया ऑप्शन, नोटिफिकेशन आ चुका है, लोकेशन भी दे दी उन्होंने, सारा कुछ दे दिया हुआ है। तो अभी हमने सिंपली उस लोकेशन पर जाना है। तो लोकेशन उस पर जाना कैसे है, हमने हमारी कार वहाँ पर खड़ी है, हम अपनी कार पर जाते हैं।
तो यहाँ पर जो है ना लोकेशन दी हुई है उसने, अभी हम सिंपली यहाँ पर ही चलेंगे। ये डॉलर वाला साइन में दोबारा क्यों साइन लगा दिया है, तो वहाँ जाके जो है ना हम करते हैं बात फिर, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो लंबी बनाना नहीं चाहता। तो मैंने जो है ना थोड़े से कमेंट्स देखे थे, तो वहाँ पर जो लिखा था कि हमें एल ए रिवो रोड्स इंस्टॉल करने का बता दें, तो भाई मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी लाऊंगा इंशाल्लाह। और जो है ना उसके थोड़ा सा मैंने इशू भी सुना था कि है उसके साथ कुछ इशू, यानी कि रोड ब्लर हो जाते हैं या फिर ये दरमियान में जो पट्टियाँ होती हैं ये येलो येलो सी ये ब्लर हो जाती हैं आगे जाके, तो उसको मैं ना एडजस्ट करने का आपको तरीका बताऊंगा कि उसको कैसे सही करना है अपने। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अभी भी हल्का हल्का जो है ना ब्लर हो रहा है, लेकिन दूर है काफ़ी, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो उसका मैं जो ना आपका तरीका भी बता दूंगा फ़ौरन, उसके दो वीडियोज़ बनाऊंगा ना उसके ऊपर। बाय द वे ये जो ना आपकी रियल लाइफ बॉर्ड की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प करेगा, इससे आप जो है ना अपनी यानी कि आपको वैसे तो मेन्यू से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आप कार पहले वहाँ पर बंदा खड़े करेंगे यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है, लेकिन ये जो है ना मॉड के साथ आप आसानी से कार जो है ना बाय कर सकते हैं सेकेंड हैंड कार्स, और ये होंगी भी सेकेंड हैंड, थोड़ी सी मतलब डैमेज वगैरह होंगी, आप उनको सेट करा सकते हैं। तो बाकी जो है ना इस तरह से ये मॉड वर्क करता है। मैं और भी जो है ना रियल लाइफ मॉड के वीडियोस लाने वाला हूँ, यानी कि रियल लाइफ हम मॉड्स लाएंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे उसके अंदर, आप लोग नहीं मेहनत करेंगे, मैं तो ये वीडियो बनाने में मेहनत करूँगा ही, तो आप लोग उस पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको मेन्यू वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना, आपने सिंपली आपने बस जाना है। और ये बारिश होने लग गई है, भाई ये क्या हो गया है, यहाँ पर हम जो ना हमारा सेलर खड़ा हुआ है, अभी सेलर के पास जाते हैं हम, हमारी वो रही कार, वो सेकेंड हैंड कार है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सेलर के पास। इसके पास आके हम जो है ना ये थोड़ा सा एनिमेशन होगी और हमारी जो कार हमने इसे ले ली है, एनिमेशन बड़ी कमाल की यार की है उन्होंने, भाई पैसा बहुत है, पैसा की हम टेंशन नहीं लेनी, बस गाड़ी हमने ले ली है। और ये रहा हमने पे फॉर परचेज व्हीकल फ्रॉम योर फ़ोन, अच्छा फ़ोन दोबारा ओपन करते हैं, यहाँ पर कोई ऑप्शन है पे फॉर परचेज, दोबारा कॉन्टैक्ट्स में जाके पे फॉर परचेज पे एंटर प्रेस करते हैं और हमने जो है ना पे कर दिया दोबारा गले में, ओ खैर सही है। और अब क्या कर रहा है, हमने कार जो है ना यहाँ से बाइक कर ली हुई है, बहुत ही कमाल की सेकंड हैंड कार है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत डैमेज भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी मतलब फुल नहीं नहीं है। यहाँ पर म्यूज़िक मैं बंद कर दूँ क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, थोड़ा सा म्यूज़िक लग जाए तो ये हमारी कार जो है ना हो चुकी है अभी। तो उम्मीद है यार आपको ये मॉड पसंद आया होगा, ये मॉड मुझे बहुत मज़ेदार लगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया, आप ये मॉड बिल्कुल सही तरीके से ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने इंस्टॉल किया वैसे ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ग्लिच आ गया था, जैसे आपने देखा कि मेरा बंदा जो है ना कट सीन के अंदर नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर कट सीन आता है छोटा सा, वो कट सीन मेरे यहाँ पर नहीं आया फिलहाल, आप लोगों का क्योंकि मैंने रिडक्स किया हुआ है, इस वजह से मेरे कट सीन वाला जो नहीं आया, मैं यहाँ पर बारिश कम कर देता हूँ। तो भाई लोग उम्मीद है यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप जो है ना एल ए रिवो के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी जो ना आपके लिए रियल लाइफ मॉड की मैं रियल लाइफ मॉड इंस्टॉल करने के तरीके बताता रहूंगा, जो है ना उसके अंदर आपको पहले भी बताया कि मैंने मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इस तरह के मॉड्स लाऊंगा जो कि आप आसानी के साथ इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं अपने गेम के अंदर, और आपको यानी कि आप अगर वीडियो नहीं भी बनाना चाहते, घर बैठे आप मतलब कि करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं रियल लाइफ मॉड के साथ, पंगे लेना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ये उनके लिए ही होती है जो कि रियल लाइफ मोड्स की वीडियोस बनाते हैं मेन्यू ट्रेनर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो जो ना मसला बन जाता है, फिर भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेरे पास कुछ मॉड्स हैं ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ढूंढे हैं मैंने ये मॉड्स, काफ़ी मुझे देर लग गई है ये मॉड्स ढूंढते ढूंढते, कुछ मॉड्स और भी हैं जो कि मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा, तो अगर आप उनके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो भाई लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।